अमेरिका परमाणु बम गिराने की क्षमता रखने वाले B-52 बॉम्बर्स ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके के एयरफोर्स बेस पर तैनात करने जा रहा है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के टिंडॉल एयरबेस में 6 न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात करेगा और इससे चीन की चिंता बढ़ सकती है। अमेरिका ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब चीन सोलोमन आइसलैंड में सैन्य बेस बना रहा है। दरअसल चीन एशिया और खास तौर पर प्रशांत महासागर में तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। इसके लिए चीन सोलोमन आइसलैंड में नेवी बेस बनाकर ऑस्ट्रेलिया में सेना भेजने की तैयारी कर रहा है। सोलोमन आइसलैंड ऑस्ट्रेलिया के काफी करीब है और यहां से निकलने वाली एक ग्वाडल कैनाल प्रशांत महासागर से ऑस्ट्रेलिया होते हुए न्यूजीलैंड तक पहुंचती है। यही वजह है कि अमेरिका अब ऑस्ट्रेलिया में सेना तैनात करना चाहता है। अमेरिका टिंडाल एयरबेस पर B-52 बॉम्बर्स को उतरने और ठहरने के लिए जरूरी सर्विस डेवलप करेगा। चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका के लिए ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी इलाका बड़ा डिफेंस हब बन गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका ड्रैगन को चेतावनी देना चाहता है, इसीलिए B-52 बॉम्बर्स को तैनात करने जा रहा है। हिंद प्रशांत इलाके के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की सुरक्षा साझेदारी से चीन घबरा गया था। 2021 में इस गठबंधन को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को कंट्रोल करने के उद्देश्य से बनाया गया था और इसके तहत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच न्यूक्लियर सबमरीन डील भी हुई थी। और इसी साल अप्रैल में सोलोमन आइसलैंड और चीन के बीच सुरक्षा समझौता हुआ, जिससे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की चिंता बढ़ गई। सुरक्षा एजेंसियों का यह भी कहना है कि इस समझौते से चीन को फायदा होगा। ये बात सच साबित हुई जब चीन ने यहाँ नेवी बेस बनाना शुरू कर दिया। फिलहाल दुनिया के 90 से अधिक बंदरगाहों पर चीन का कब्जा है और इनका उपयोग वह जहाजों के ठहरने और कारोबार के लिए करता है, लेकिन चीन इसका उपयोग सैन्य बेस के रूप में भी कर सकता है। चीन की चतुर चालाक रणनीतियों पर अपनी प्रतिक्रिया हमें दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।